यूट्यूब के चैनल में हम सभी बच्चों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो शिक्षा जगत से संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन तो जरूर एक्टिव कीजिए ताकि पल पल की सारी अपडेट दोस्तों आप तक पहुँचती रहे। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों 94,000 शिक्षकों की बहाली को लेकर जो पटना हाईकोर्ट में आज की सुनवाई होने वाली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पल पल की पूरी अपडेट आप तक पहुंचाया जाएगा दोस्तों। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है इसे लेकर शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भी दिया गया है। तो पटना हाईकोर्ट में जो सुनवाई है वो लगभग 2 बजे करीब प्रारंभ होने के आसार लग रहे हैं अगर इसे अर्जेंट मैटर में सुना जाएगा तो शिक्षा विभाग की ओर से अर्जेंट मैटर में सुना जाने की बात ये जो है वो सामने उभर के आ रही है। तो जल्द से जल्द इसका डिसीजन आप लोगों के सामने होगा। और देखिए लिखा है शिक्षा विभाग की तरफ से दर्ज आवेदन हाईकोर्ट में 195 नंबर पर सूचीबद्ध है। शिक्षा विभाग ने इसकी व्यापक तैयारी की है। उल्लेखनीय है कि इस सुनवाई को देख सकते दोस्तों लिखा गया अधिक पदों पर काउंसलिंग की बहुप्रतीक्षित प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होते ही चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र बांट दिया जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे साफ तौर पर लिखा गया है कि आज पूरी की पूरी जो निगाहें हैं पटना हाई कोर्ट पर जो हम लोगों की टिकी हुई हैं उसका मुख्य कारण यही है दोस्तों कि आज सभी को ये देखना होगा कि पटना हाई कोर्ट में क्या कुछ होता है और क्या आज जो है ये सुनवाई पूर्ण हो जाएगी। तो बहुत सारी बातें सामने उभर के आ रही हैं लेकिन अगर ये सुनवाई आज पूर्ण हो जाती है तो 94,000 शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया है उसको कहीं ना कहीं हरी झंडी मिल जाएगी। तो देख सकते हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि 94,000 शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जो लिस्टेड है वो 190 देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ 195 नंबर पे लिस्टेड है। और कह दिया गया है कि अगर आज सुनवाई में कोई निर्णायक फैसला आ जाता है तो काउंसलिंग और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सीधे बांट दिया जाएगा, इसमें कोई भी देरी नहीं होगी। ठीक है, तो अगर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट सरकार के जवाब से संतुष्ट होता है तो नियुक्ति और नियोजन को लेकर काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, नियुक्ति पत्र बांट दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए लिखा उल्लेखनीय है कि इस सुनवाई पर छठे चरण के प्राथमिक नियोजन के हजारों अभ्यर्थियों की जो आस है दोस्तों वो टिकी हुई है। ठीक है, लेके चाहे बात करें एसटीटी की चाहे 94,000 शिक्षक बहाली की, दोनों ही अभ्यर्थियों की निगाहें जो है पटना हाई कोर्ट पे टिकी हुई हैं कि जल्द से जल्द फैसला आए जिससे दोनों ही बहालियों को एक नया दिशा और नया आयाम मिले। तो बड़ी अपडेट है, पल पल की खबर के लिए दोस्तों आप बने रहिएगा चैनल के माध्यम से, हम अपडेट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। और देख सकते हैं सेवा में माननीय शिक्षा मंत्री को लेटर, आप देख सकते हैं श्री विजय कुमार चौधरी वर्ष 2019 में लंबी छठे चरण के तहत 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की शीघ्र नियुक्ति के संबंध में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि छठे चरण में नियुक्ति के संबंध में जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की शीघ्र नियुक्ति के संबंध में जो लेटर है ये भी यहाँ पे जारी किया गया है। अभ्यर्थियों ने लिखा है इस लेटर को शिक्षा मंत्री के लिए लिखा, इसमें देख सकते हैं लिखा है माँ से सभी निवेदन है कि हम सभी आपके गृह जिला समस्तीपुर के 94,000 प्रारंभिक शिक्षक हैं। ठीक है, 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों में से सम्मिलित हैं, सभी निवेदन है कि हम सभी आपके समस्तीपुर से ही हैं और शिक्षक बहाली के अभ्यर्थी हैं जो सितंबर 2019 में बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा जारी 94,000 रिक्ति के विरुद्ध आवेदन किए गए हैं लेकिन अब तक हम लोगों की शिक्षक के पद पर नियोजन नहीं हो सका है। आपके द्वारा बिहार विधानसभा में भी शिक्षकों की बहाली शीघ्र करने का आश्वासन दिया गया था तथा द ब्लाइंड फेडरेशन द्वारा किए गए केस की सुनवाई 5 अप्रैल यानी कि आज होनी थी, देख सकते हैं आप अप्रैल को होने के बारे में भी बताया गया था लेकिन माननीय पटना उच्च न्यायालय के वेबसाइट पर उक्त केस से संबंधित वाद 195 नंबर पर है और इसकी सुनवाई होने की संभावना नहीं लग रही है। इस स्थिति में शिक्षा विभाग माननीय उच्च न्यायालय में आप देख सकते हैं अपील दायर कर आज देख सकते हैं जल्द से जल्द सुनवाई को जो है वो होने की अनुमति दी, यानी कि आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है द ब्लाइंड केस ऑफ फेडरेशन उच्च न्यायालय के वेबसाइट पर उक्त केस से संबंधित वाद 195 नंबर पर है और सुनवाई होने की संभावना नहीं लग रही है। स्थिति में शिक्षा विभाग माननीय उच्च न्यायालय में विशेष अपील कर 5 अप्रैल को द ब्लाइंड केस फेडरेशन की ओर से फिर किए गए केस में
विशेष अनुरोध कर शीघ्र बहाली कर 94,000 बेरोजगार प्रशिक्षित शिक्षक अभ्यर्थियों की शीघ्र बहाली करने की कृपा करें। इसके लिए हम सभी समस्तीपुर के शिक्षक अभ्यर्थी आपका सदा आभार व्यक्त करेंगे। तो वो दे सकते हैं दोस्तों। और ये शिक्षा विभाग प्रधान सचिव का लेटर भी था कि विद्यालय कोविड-19 के संक्रमण इस प्रकार से फैल रहा है उसे देखते हुए था ये, और कहा भी गया था कि जल्द से जल्द जो है शैक्षणिक संस्थान जो है वो कोरोना कारण बंद कर दिए जाएंगे, सभी कोचिंग संस्थान जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। और बिहार देख सकते हैं कोविड-19 संक्रमण के कारण बिहार राज्य के अंतर्गत अवस्थित सभी सरकारी एवं निजी शैक्षणिक संस्थानों को दिनांक 11/4/2021 तक बंद रखने की बात कही गई है। तो कहा गया है कि भाई इसे 11 तारीख तक सारे के सारे शैक्षणिक संस्थान जो है वो बंद रखे जाएं। तो 94,000 शिक्षक बहाली का मामला जो कि 195 नंबर पे लिस्टेड है, इसे लेकर देखिए एक बड़ी अपडेट है। और माननीय शिक्षा मंत्री जी को अभ्यर्थियों ने ज्ञापन भी सौंपा है और कहा है जल्द से जल्द कुछ सकारात्मक पक्ष जो है वो सामने उभर के आए। और अर्जेंट लिसनिंग में इस केस को दोस्तों जो कहा गया है कि सुना जाए, अगर अर्जेंट लिसनिंग में केस सुना जाता है तो शिक्षा मंत्री से जो गुहार लगाया गया था दोस्तों वो कहीं ना कहीं सफल हो जाएगा। और शिक्षा मंत्री ने कुछ रिप्लाई भी किया है। आज समस्तीपुर में शिक्षा मंत्री जी आए थे तो हमारे कुछ साथी ज्ञापन सौंपे, तो उनका ये गंतव्य था, मंत्री जी बोले पहले कोरोना खत्म होने ना दीजिए, अभी बहाल होके भी तो घर पर ही बैठिएगा और फिर उस 94 के पर तो आपका ही अधिकार है, दूसरा कोई थोड़े ले लेगा, एहल तनी सब्र रखिए। देख सकते हैं भोजपुरी में लिखा है। तो इस चूट से दोस्तों आपको लग रहा है कि शिक्षा मंत्री बिल्कुल चिंतित नहीं है 94,000 शिक्षक बहाली को लेके। शिक्षा मंत्री ने जिस प्रकार से टालमटोल किया है, हंसते हुए टालमटोल किया है, उससे देखते हुए यही लग रहा है दोस्तों शिक्षा मंत्री केवल एक जुमला बुन रहे हैं, अभ्यर्थियों के दर्द को नहीं समझ रहे हैं। और जैसा कि हमने पहले भी आपको अपडेट प्रोवाइड किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए अभ्यर्थियों को इस बार कहीं ना कहीं नियुक्ति दिलाकर रहेंगे, चाहे इसके लिए कितनी भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े। चाहे ब्लाइंड केस फेडरेशन का बात हो या फिर 94,000 शिक्षक बहाली की प्रक्रिया तीव्र गति से आगे बढ़ाने की बात हो, अब उम्मीद और आस ये लगाया जा रहा है कि जल्द से जल्द कुछ सकारात्मक ही खबर जो है वो सामने उभर के आएगी, तुरंत बहाली की प्रक्रिया जो है तेज गति से आगे बढ़ेगी। तो धैर्य बना के रखिए। और जैसा कि अपडेट मिल रही है कि अब जल्द से जल्द जो है दोस्तों प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अब चाहे हम माध्यमिक की बात करें चाहे मिडिल की हम बात करें, पटना में देखिए नए सत्र में कहा गया है कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लाइब्रेरी पुस्तकालय अध्यक्ष की भी नियुक्ति जो है काफ़ी तेज़ी से की जाएगी। तो ये भर्तियों का एक जुमला है और देखते हैं अब क्या कुछ होता है आगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।